जो जनता का पैसा है वो हमारे पास एक निधि के रूप में जमा है और कहां सुरक्षित है ये पिछले साल के 5 दशक के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इतिहास ने बता दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। राष्ट्रीयकरण से पहले 736 बैंक डूबे थे या उनका कहीं ना कहीं विलय हुआ था या बंद हुए थे। वो किसके हाथ में थे? वो निजी हाथों में थे। और डॉक्टर बीबी गिरी ने जब बैंकों का राष्ट्रीय घोषित किया उसके चंद घंटों के अंदर वो कौन लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बैंकों का स्वरूप निजी बनाने का काम किया था, आवाज उठाई थी और रिट दायर की थी? वो वही लोग थे जो आज बुलडोजर मेजोरिटी में है और देश के संपदा, देश के नवरत्नों, देश के सार्वजनिक उपक्रमों को नेशनल भूत कर देना चाहते हैं। लड़ाई हमारी उनसे। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी खत्म हो गई। सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 लाख से अधिक कर्मचारी सरकार द्वारा बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल पर थे। हड़ताल का आह्वान 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU ने किया था। इतनी बड़ी हड़ताल थी लेकिन न्यूज चैनलों ने इस हड़ताल को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी, क्योंकि अगर वह हड़ताल की बात करते तो उन्हें यह भी बताना पड़ता कि इन सरकारी बैंकों ने 13 प्राइवेट कंपनियों के बकाया 4,86,800 करोड़ रुपयों को मात्र 1,61,820 करोड़ रुपयों में सेटल किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक बैंकों को 2,84,980 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आखिर सरकारी बैंक किन्हीं प्राइवेट कंपनियों के बकायों को क्यों सेटल करते हैं? साफ दिख रहा है कि सरकारी बैंकों से पहले लाखों करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर को दिलवाए जाते हैं और जब वह पैसे डूब जाते हैं तो बंदूक की नोक पर उसका सेटलमेंट करवाया जाता है और फिर इस घाटे का इल्जाम भी उन्हीं पर डाल दिया जाता है। बैंक कर्मचारियों को नाकारा बताया जाता है जबकि पूरा खेल ऊपर से तय होता है। UFBU के संयोजक बी राम बाबू कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, बैंक ऑफ कराट आदि को राहत देने के लिए किया गया है। हाल के दिनों में यस बैंक को सरकारी बैंक SBI भारतीय स्टेट बैंक ने संकट से निकाला। इसी तरह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी NBFC गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IL&FS को सार्वजनिक क्षेत्र के SBI और LIC ने संकट से निकाला। बी रामबाबू आगे कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जनधन, बेरोजगार युवाओं के लिए मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए सौधन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसे अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में भाग लेते हैं। आज के आक्रोश को पूरा मीडिया, पूरा देश और पूरे देश के जनमानस कुछ अलग तरह से महसूस कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि बताइए कौन से निजी बैंक जनता को यह सारी सुविधाएं देते हैं। एक समय देश में कुल 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे, इस समय कुल केवल 12 सरकारी बैंक बचे हैं। सरकार इन्हें कम कर 8 पर लाना चाहती है। एक समय कहा जाता था कि बैंक ब्रांच और बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन अब मर्जर के कारण ब्रांचेज बंद की जा रही हैं। आशीष आनंद की बरेली से यह रिपोर्ट।